आई एम डॉक्टर बेंदु, हेडिंग द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइंसेज एट नीलकंठ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आज मैं बात करूंगी ओविलेशन टेस्ट किट की। दे आर यूरिन बेस्ड टेस्ट दैट यू यूज एट होम टू डिटेक्ट योर ओविलेशन, विच मीन्स एग का रिलीज कब होता है। ये नैरो थिन पेपर्स हैं जो एक बॉक्स में आते हैं। दे लुक लाइक प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स। विद द हेल्प ऑफ दीज किट्स यू कैन प्लान योर सेक्स टू गेट यू प्रेगनेंट। When you get a positive test results, then you should have sex for the next 2 to 3 days, because that's the time when you will ovulate. This works by detecting the levels of LH hormone, luteinizing hormone, in your urine. This is called as LH surge, or 36 hours after the LH surge, your ovulation occurs. Generally, this predictor kit, they comes with a set of 5 strips, or kisi kisi mein 10 strips bhi hoti hain. The kit has 2 lines. वन इज कंट्रोल और सेकेंड होती है टेस्ट किट। अगर कंट्रोल आ रहा है रेड लाइन, विच मीन्स दिस किट इज वर्किंग। इफ यू डोंट गेट अ रेड लाइन फॉर दैट कंट्रोल ऑल्सो, इसका मतलब किट में कोई खराबी है। आप मॉर्निंग में यूरिन लेते हैं, आप एक स्ट्रिप को इसमें डिप करते हो, सो इफ यू गेट 2 lines, दैट मीन्स द LH सर्ज इज कमिंग। और हम नॉर्मली इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डे 10th, बट आपका साइकिल की रेगुलरिटी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा आप किस दिन से इसको शुरू करते हैं। इफ़ यू टेस्ट फॉर 5 days, यू हैव 80% चांसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द ओविलेशन। नाउ व्हाट आर द प्रोज? दिस इज इजी टू यूज। दे टेल यू व्हेन द ओविलेशन इज अप्रोचिंग, नॉट दैट इट्स ऑलरेडी हैपेंड। मॉर्निंग इज द बेस्ट, बट टेकिंग द टेस्ट विद इन द सेम 6 hour विंडो एवरी डे विल गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। डिसएडवांटेजेस आर यूजिंग every month can become quite expensive. Test will not work well for the women like PCOs, jo bahut irregular periods hote hain. They signal that your body is trying to ovulate, but they can't tell confirm it ki ovulation ho gaya hai ki nahi. You cannot rely 100% on these kits only. आपको अपनी लाइफ को एक कैलेंडर नहीं बनाना है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कब ओविलेशन होता है। लॉन्गर द साइकिल्स आर द मोर लाइकली इज दैट यू ओविलेट लेटर, and shorter the cycles are, the more likely it is that you ovulate earlier than the normal. If you have some query or you want some information, aap hame hamesha contact kar sakte hain. Thank you for listening.